बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीबॉडी, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक मेरी तरफ से। और आज मैंने जो बनाया है कुछ डिफरेंट बनाया है, कि भाई ईद पे सबकी घर पे वही एज यूजल शीर कोरमा ये सब की रेसिपी होती है मीठे पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा डिफरेंट करूँ। तो आज मैंने बनाया है ब्लूबेरी चीज़ केक। यस, ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़बरदस्त और ऑसम बनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है, थोड़ा डिफरेंट वे में ईद बनाने के लिए। ईद में मीठे की जगह जो शीर कोरमे की जगह मैंने ये ब्लूबेरी चीज़ केक बनाया है। तो पहले तो मैंने ये फ्रेश ब्लूबेरी ले लिया था, एक पैकेट है इसमें 200 या 250 ग्राम की करीब आती है, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करके मैंने पैन पे रख दिया, पैन ऑन करके, और 200 ग्राम इसमें ब्लूबेरी डाला मैंने और हाफ़ कप मैंने शुगर डाला है, ठीक है। इसमें मुझे ये ब्लूबेरी जेली बनानी है, बिल्कुल नेचुरल वे में, कुछ भी आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, इवन फ्लेवर भी नहीं डालूंगी, बिल्कुल नेचुरल वे में। ये देखिए शुगर डाल दिया, शुगर डालते ही इसमें जो हल्का सा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, उसकी जो कलर निकल के आती है, मतलब बहुत ही अमेजिंग कलर निकल के आती है, बहुत ही डेलिकेट फ्रूट होती है ये, बिल्कुल ही गल जाती है थोड़ी ही देर में ही। देखिए अब मैं थोड़ी देर इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी, 5 से 6 मिनट के अंदर मेरी ब्लूबेरी जो जेली है वो बनके तैयार। ये देखिए, लुक एट द कलर, ये नेचुरल कलर है। ये देखिए अल्लाह ताला की क्या निज़ाम होती है, अल्लाह ताला किस चीज़ पे किस तरह के कलर डाल देते हैं, इतने कलरफुल हमारी नेचर है। सही में मैं बना रही थी और सोच रही थी ये मेरी जेली बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने, ऑन करके अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है। ये देखिए प्लेन जेलीटिन है, ठीक है। आप लोग के पास जेलीटिन नहीं है, आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर। प्लेन जेलीटिन लिया है मैंने 1 टीस्पून, ठीक है। उसमें से लूक वार्म वाटर 3 टीस्पून, ये अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद ये जो जेली मैंने बनाया है ब्लूबेरी की, इसके ऊपर डाल दूंगी। क्यों, थोड़ी सी सेट होने में अच्छा रहता है ना, ताकि जेली मेरी जो केक से ना लिक्विड होके बाहर ना निकले, ठीक है। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है अभी इस वक्त, बस ये ध्यान रहे कि इसमें जो है ना जेली बनने के बाद बिल्कुल ही गर्म है हमारी जो ब्लूबेरी जेली है, उस पर बंद करके, फ्लेम को बंद करके ये डालनी है जेलीटिन। अब देखिए ये मैंने क्या लिया है, चीज़ क्रीम लिया है, ठीक है, 180 ग्राम, और उसी तरह ये कंडेंस मिल्क लिया है, ताकि मैं इसकी जो बेस जो है ना वो रेडी, बेस नहीं, मिडिल का जो लेयर है वो रेडी कर सकूँ। ये देखिए चीज़ क्रीम है, ये क्रीम चीज़ है, सॉरी, कोई सा भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मैंने फिलाडेल्फिया के लिया है। और कंडेंस मिल्क मैंने 4 टेबल स्पून अंदाज से 4 टेबल स्पून मैंने लिया है। आप चाहो तो मीठा आपको ज़्यादा चाहिए तो उसका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसको अच्छे से एक मिक्स करूँगी, स्मूथ सा एक पेस्ट टाइप का बनाऊँगी, कंसिस्टेंसी आ जाती है। देखिए इस तरह से इसको मिक्स करूँगी, क्रीम चीज़ और कंडेंस मिल्क की जो अपनी टेस्ट होती है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होती है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये टिफानी का मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिया है 12 पीस, ओके। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते, कम ले सकते, 10 भी ले सकते हैं। तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट को वैसे रफली मैं ऐसे तोड़ दिया मैंने मिक्सी में, एक बार जस्ट घुमा दिया था। आप चाहे तो इसको हाथ से भी क्रश कर लो, पूरी ज़्यादा पाउडर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना पूरी ज़्यादा दरदरा। और यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लिया है, बिस्किट जो बिस्किट की जो क्रैम है उसको मेल्टेड बटर के साथ अच्छे से बाइंड करूँगी। ये देखिए मिक्स करूँगी, ताकि चीज़ केक की जो बेस है ना वो मुझे बहुत अच्छे से मिल जाए, इसी से चीज़ केक की बेस बनती है, ठीक है। आप चाहे तो कोई सा भी और बिस्किट भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये मैंने केक टिन में ग्रीस कर दिया था, ठीक है, बटर से ग्रीस कर दिया था। उसके बाद इसके ऊपर ये देखिए ये जो मैंने बिस्किट की क्रैम रेडी करी थी, मेल्टेड बटर को मिक्स करके इसमें बेस में रेडी करूँगी। अभी इसके केक टिन के अंदर सब मैंने डाल दिया है, और एक अभी स्पून की हेल्प से मैं इसको धीरे धीरे प्रेस करती हुई
ये देखिए इसको सेट करूँगी। आप चाहे तो कोई से भी कटोरी ले लीजिए, कोई सा भी आपके पास जो अवेलेबल है, इसको सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो क्रैम है ना बाहर निकल के आती है। ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए ठीक है, आप फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए मेरी जो क्रीम चीज़ है वो भी रेडी थी। अब मैं इसमें इसका सेकेंड लेयर करूँगी। ध्यान रहे ये जो क्रीम चीज़ की जो हमने मिक्सचर रेडी करी है उसको देते वक्त बहुत ही हल्के हाथ से मुझे इसको पूरा स्प्रेड करना है, नहीं तो जो बिस्किट की जो क्रैम है ना वो ऊपर आ जाती है और चीज़ ख़राब हो जाती है बिल्कुल सी। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करनी होती है, दबा के नहीं, दबाने से ना उसकी क्रैम जो है ना बिस्किट वो इसकी चीज़ में लग के ऊपर आ जाती है, इसका लेयर बिल्कुल लेयर के लेयर ऊपर आ जाती है। ठीक है, इस तरह से पूरी से फैला दिया है, एक पूरी मोटी सी एक बीच में लेयर कर दिया। अब क्या टाइम है, ये जो मैंने सिरप बनाया था, ये जो जेली बनाई थी, हाँ इसके फर्स्ट टॉप लेयर पे मैं ये जेली डाल दूँगी। ठीक है, हो गया मेरा चीज़ ब्लूबेरी चीज़ केक की कंप्लीट रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। इसको मुझे ओवरनाइट करना है। ओवरनाइट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनिमम 6 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए इसको सेट होने में। ठीक है, ये देखिए मैंने ओवरनाइट किया था तो ये पूरा इस तरह से आ गया है। अब साइड में मैं इसको नाइफ से इसका एजेस जो है ना रिलीज़ करूँगी, फिर उसका ये खोल दूँगी कैक्टेन की जो ये है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इसको रिलीज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरी जो ये चीज़ केक है ना ऊपर से थोड़ी सी आप लोग देख रहे हैं ना इस तरह से बबल टाइप का हो गया, मैंने बिल्कुल ओरिजिनल रखा है इसको। जब मैंने वो बनाया है इसका सिरप जब बनाया था, इसका जो जेली बनाया था तो मैंने उसको छाना नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं इसको जेली बनाने के उसको छान लेते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट सी लुक आती है, मैंने नहीं छाना है। मुझे एज इट इज़ जैसे मुँह में आती है ना ब्लूबेरी की पीसेस मुँह में आएगी तो मुझे ऐसे अच्छी लगती है। तो ये देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग बताइएगा ज़रूर, सबको ईद मुबारक, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसे लगा आज मेरी ये ब्लूबेरी चीज़ केक। बाय एवरीबॉडी।